नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एक्सपोर्ट लाइन वर्क में। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या करें जो आपके हाथ में भी फुर्ती आ जाए। आप जो चाहते हैं वो आपके हाथ से नहीं हो पा रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपसे वो चीज़ नहीं पा रहे हैं जो चीज़ आप चाहते हैं। तो हम आपको बताएंगे एक नया तरीका जो हमने भी खुद यूज किया है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप लोग वीडियो को देखने में लापरवाही कर देते हैं, अंत तक नहीं देखते हैं, लेकिन अक्सर लोग अंत में ही जो कोई ख़ास चीज़ बताता है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और समझें। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये तो एक डमी है, सिर्फ एक तरीका है कि इस तरह से काम किया जाता है। जो बताते थे हम लोग वो बोल के ही समझा सकते हैं। तो वो तरीका क्या है हम बताते हैं। पहला तरीका, अगर आपका हाथ स्लो चल रहा हो, अगर आपसे काम जितना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा हो, तो आप ऐसा करें कि अपने से सीनियर वाले के बंदे के पास बैठें और उसको देखें कि किस प्रकार से वो काम करता है और कोशिश करें कि उसी प्रकार से आप भी काम करें। और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका हाथ भी उसी तरह से चलने लगेगा। और दूसरा है कि अगर उस तरह का लड़का या कारीगर आपके नज़र में नहीं है, तो आप एक घड़ी रखिए आपके मशीन पे और पहला पीस बनाइए कि कितना मिनट में बनता है। फिर दूसरा पीस सोचिए उससे कम टाइम में बने। फिर तीसरा पीस सोचिए उससे भी कम टाइम में बने। और लगातार दो चार दिन ऐसे करते करते आपके हाथ में भी वो फुर्ती आ जाएगी जो आप चाहते हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उससे दुगुना रिजल्ट निकलेगा आपसे। तो ये दोनों उसका आप आजमाइए और हमें भी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, क्या रिजल्ट मिलता है। और हमारे हिसाब से, हमने भी किया था, हमारे हिसाब से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा तरीका है। आप भी यूज करिए, आप भी जानिए। कईयों को हमने बताया है, हमने भी सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी जानकारी दे दें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और भी इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। आप एक्सपोर्ट लाइन वर्क से जुड़े रहिए। धन्यवाद।